मेकअप लुक है वो है मेरी लिपस्टिक से इंस्पायर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट ब्रो जेल लिया है। इसमें जो मेरा शेड है वो ब्राउन है, बहुत ईजीली आपके जो आईब्रोज हैं उनको फिल कर देता है। उसके बाद मैंने ये मेबलिन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक लिया है और इसको मैं लिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा ग्रीसी है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट लिया है और इससे मैं अपने आई लिड्स को सेट कर रही हूँ, जिससे जो मेरा मेकअप है या जो आई मेकअप है वो बिल्कुल भी केकी पैची ना बने। उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का ब्लिंक मेटालिक आई शेडो पैलेट लिया है और इसमें 12 शेड्स हैं और इसमें से मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके इससे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ और स्लोली स्लोली मैं इसको बिल्ड करूँगी। और उसके बाद मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे लिड्स पे। इसका जो थोड़ा पिगमेंट है वो थोड़ा कम है तो इसको आपको थोड़ा बिल्डअप करना पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए। मैं इसके जो फॉल आउट्स ना हो इसीलिए मैं आई मेकअप पहले कर रही हूँ, जिससे कि मेरा बेस ना ख़राब हो फॉल आउट से। और उसके बाद मैं ब्लू हेवन का ये काजल ले रही हूँ, इंटेंस काजल है, बहुत ब्लू शेड का है और बहुत ब्यूटीफुली ग्लाइड हो जाता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसको मैं स्मज कर लूँगी अब और इसे एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। पहले मैंने सिंपल लाइनर ड्रॉ करा है और उसको मैं इस तरीके से स्मज आउट कर रही हूँ, जिससे कि जो मेरा आउटर विंग है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन लिया है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैट फिनिश देता है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश आती है। इसमें शेड्स रेंज अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर लेना। सेम कंसीलर स्टिक को मैंने अपने अंडर आईज, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज और हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई किया है, जिससे कि जो मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं वो कंसील हो जाए, मेरा फेस थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्रश से और उसके बाद इसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, सेम कॉम्पैक्ट जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो जहाँ कंसीलर यूज़ करा है वहीं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। और आई शेडो पैलेट से एक बहुत ही कोरल काइंड ऑफ ब्लश लिया है, इसको एपल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कम मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। आई शेडो से ही आप अपने हाईलाइट भी, मैं आई शेडो से ही कर रही हूँ, तो आप हाईलाइटर, ब्लश, कॉन्टोर सेम आई शेडो पैलेट से कर सकते हो अगर आपका उसमें शेड है तो। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा। ये बहुत गॉर्जियस मस्कारा है, बहुत अच्छे से लैशेस को लिफ्ट कर देता है, बिल्कुल भी क्लम्सी नहीं बनाता है, ओपन अप कर देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके बाद जो शेड मैंने लिड्स पे लगाया था उसको ही लोअर वाटर लाइन पे स्मज कर लूँगी। सबसे लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक। बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाता है, एक स्वाइप में ही बहुत अच्छा पिगमेंट दे देता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग और थोड़ी देर के बाद ये ड्राई हो जाता है तो ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाता है। ये लिपस्टिक बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत सारे शेड्स रेंज में अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड चूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये जो लिपस्टिक है वो बहुत ही अच्छी लगी है और अभी की मेरी करंट फेवरेट लिपस्टिक ये बन गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।